नमस्कार भोजपुरिया जहान हम के तुम्हारी रउआ लोग स्वागत कर रहा मानी रउआ लोग के भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब यानी कि बीएफसी में। आज जो कि बड़ा ही खास रिपोर्ट रउआ लोग के बतावे जा रहा मानी कि हमनी के भोजपुरी सिंगर लोग सुपर स्टार सिंगर लोग आखिर एगो गाना खाती कितना रुपया लेवे ला लो। आप लोग के बता दी भैया की रिपोर्ट जितना भी बा रियल बा, रिपोर्ट अफवाह या सोशल मीडिया के जानकारी से तैयार नहीं कर गई बल्कि स्टार लोग के मैनेजर से स्टार लोग के साथ जे रहेला उ लोग से और यहां तक कि कई गो कंपनी से, जी हां भोजपुरी के बड़े बड़े कंपनी से बातचीत कैला के बाद जो कि ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार कर गिल बा कि आखिर एगो गाना खाती कितना रुपया चार्ज करेला लोग हमनी के भोजपुरी स्टार लोग भोजपुरी गायक लोग। तो एकदम रियल रिपोर्ट बा, बड़ा ही मेहनत लागल बा रिपोर्ट तैयार करे में। तो आप लोग देखी जाओ, अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दी जाओ। तो चलिए शुरू कर जाओ। सबसे पहले बात कर जाओ सिंगर बुलेट राजा के बारे में। जी आप लोगों की बता दी भैया कि पिछले साल 2022 में जो कि वो गाना हिट भई रहे आज भर ढील द। जी आप सभी को बता दूं कि गाना ग्राउंड लेवल पर और डिजिटल लेवल पर जम के बाजा रहे, तब से मार्केट में बुलेट राजा के डिमांड बढ़ गई। और आप लोगों के बता दी भैया कि आजकल ई एगो गाना खाती, जी हाँ ऑडियो और वीडियो खाती 50 से 60 हजार रुपया चार्ज करे ले सिंगर बुलेट राजा। दू नंबर पर बात कर जाओ सिंगर दीपक दिलदार के बारे में। सिंगर गाना भैया आप लोग सुनने ही बानी जा कि रतिया कहां बीतौला ना। जी आप लोग बता दे भैया गाना जो कि सुपर डुपर हिट भई रहे और गाना भोजपुरी में ही ना बल्कि बॉलीवुड के कई गो फिल्म में भी तहलका मचा दे बा। और तब से जो कि दीपक दिलदार के मार्केट में नाम आ गई और इनका डिमांड भी बढ़ गई। ओकरा बाद कई गो बैक टू बैक जो कि गाना हिट दे रहे दीपक दिलदार, लेकिन पिछले कुछ साल से जो कि डाउनफॉल में चल रहा है। तो आप लोग बता दी भैया कि आजकल जो कि दीपक दिलदार एगो गाना खाती 35 हजार से लेके 40 हजार रुपया तक चार्ज करे ले सिंगर दीपक दिलदार। तीन नंबर बात कर जाओ गायक रंजीत सिंह के बारे में। जी आप लोग बता दी भैया कि पिछले साल रंजीत सिंह के दू गो गाना जो कि सुपर डुपर हिट साबित भई रहे, एगो गाना के नाम रहे पटना से चला था दवैया और दूसरा गाना के नाम रहे नाइकी अपाची लेला। जी अभी आप लोग बता दिए दोनों गाना के बहुत ज्यादा भोजपुरी दर्शक द्वारा प्यार मिला और ये दोनों गाना की हिट भैया के बाद रंजीत सिंह के डिमांड बढ़ गई और हर कंपनी मालिक के नजर में जो कि रंजीत सिंह आ गए। तो आप लोग के बता दी भैया कि आजकल रंजीत सिंह जो कि एक वो गाना खाती 1 लाख रुपया चार्ज कर ले। जी हाँ 1 लाख रुपया चार्ज कर ले रंजीत सिंह एक वो गाना खाती। अब बात कर जाओ सिंगर गोलू गोल्ड के बारे में। जी आप लोग बता दी कि बहुत कम उम्र से भोजपुरी दर्शकन के दिल पर जो कि सिंगर गोलू गोल्ड राज कर रहे बारे। जी हाँ भैया स्टार्टिंग में वो गाना आई रहे कि बिया एगो ऐसा पगली रे जो गाना सिंगर पहचान मिलल और आजकल जो कि बैक टू बैक कई गो सुपर हिट गाना हर कंपनी से दे रहल बाड़े और भोजपुरी दर्शकन के चहेता बन चुकल बाड़े सिंगर गोलू गोल्ड। तो आप लोग बता दी भैया कि गोलू गोल्ड एगो गाना खाती 1,20,000 रुपया से लेके 1.5 लाख रुपया तक चार्ज करे ले सिंगर गोलू गोल्ड। अब बात कर जाओ सिंगर राकेश मिश्रा के बारे में। जे कोनो भैया पहचान के मोहताज नहीं खन, पिछले 8 से 10 साल से भोजपुरी दर्शकन के दिल पर राज कर रहा बाड़े और बैक टू बैक कई गो जो कि सुपर डुपर हिट गाना दे चुकल बाड़े और इनका लाइव के सबसे ज्यादा हिट गाना रहल बा ए राजा तनी जाई ना बहरिया, जोन यूट्यूब पर 500 मिलियन से भी ज्यादा व्यू ए गाना के मिल गई बा। और तब से मार्केट में इनका एगो नया क्रेज हो गई और हर कंपनी के नजर में आ गए और इनका डिमांड बढ़ गई। और आप लोग बता दी भैया कि आजकल राकेश मिश्रा जी एगो गाना खाती 2 लाख रुपया चार्ज करे ले। जी हाँ भैया 2 लाख रुपया एगो गाना खाती लेवे ले राकेश मिश्रा जी। अब बात कर जाओ माटी के खाटी कलाकार समर सिंह के बारे में। जी हाँ आप लोग बता दी भैया कि धोबी गीत से जो कि इनकर पहचान मिलर और इनकर एगो गाना तू धरावे ल थ्रेसर जो कि एवर ग्रीन साबित हो चुकल बा। जी हाँ भैया चैत के सीजन जब भी स्टार्ट होला इनकर गाना के लोग काफी ज्यादा पसंद करेला। ओकरा बाद भोजपुरी में कई गो ब्लॉक बास्टर सॉन्ग दे चुकल बारे समर सिंह जी। और आज के डेट में भैया समर सिंह एगो गाना खाती 2.5 लाख रुपया से लेके 3 लाख रुपया तक चार्ज करे ले। जी हाँ 2.5 लाख रुपया से लेके 3 लाख रुपया तक चार्ज करे ले समर सिंह एगो गाना खातिर। अब बात कर लिया भोजपुरी और मगही सुपरस्टार गुंजन सिंह के बारे में। जी आप लोगों को बता दी भैया कि गुंजन सिंह के जितना दबदबा और क्रेज भोजपुरी इंडस्ट्री में बा उतना ही क्रेज जो कि मगही इंडस्ट्री में भी गुंजन सिंह के बा। जी हाँ मगही के जो कि सुपर स्टार हमन गुंजन सिंह और इनकर काफी ज्यादा डिमांड बा और हर गाना इनकर जो कि सुपर डुपर हिट
हिट साबित होला। तो आप लोग ये बता दिया कि गुंजन सिंह एगो गाना खातिर 3.5 लाख रुपया से लेके 4 लाख रुपया तक चार्ज करेले। जी हाँ, 3.5 लाख रुपया से लेके 4 लाख रुपया तक चार्ज करेले सिंगर गुंजन सिंह। अब बात कर जाओ भाई अंकुश राजा के बारे में। जी आप लोग बता दी भैया कि बहुत ही कम उम्र से ये लोग जो कि अपन गायकी के शुरुआत कई लोग और आजकल ये लोग अपन गाना के शूटिंग लंदन और दुबई में कर रहा बालो। जी हाँ, काफी ज्यादा मार्केट में ये लोग के डिमांड बा। हर कंपनी आंख मूंद के ये लोग पर पैसा खर्च कर ले, काहे कि भैया ये लोग के बैक टू बैक कई गो सुपर डुपर हिट गाना सामने आ चुकल बा मार्केट में। जी हाँ, 400-500 मिलियन व्यू भी ये लोग के गाना के मिलेला। हर सीजन में ये लोग के गाना आवेला, हर फ्लेवर के गाना आवेला और हर गाना के जो कि भोजपुरी दर्शक पसंद कर ले। तो आप लोग बता दी भैया कि दोनों भाई एगो गाना खाती 4 लाख रुपया से लेके 4,20,000 रुपया तक लेवे ला लोग एगो गाना खाती भाई अंकुश राजा। अब बात कर जाओ ढोड़ी चटना स्टार चंदन चंचल के बारे में। जी हाँ, आप लोग बता दी भैया कि पिछले साल इनका एगो गाना जो कि सुपर डुपर हिट भई रहे, जो गाना के नाम बा देवरा ढोड़ी चटना बा और ये गाना से इनका मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड बढ़ चुकल बा। जी हाँ, वो गाना के बाद बैक टू बैक जो कि कई गो सुपर हिट गाना मार्केट में दे चुकल बाड़े चंदन चंचल और हर कंपनी जो कि आजकल इनका ऊपर पैसा लगा रहल बा। तो आप लोग बता दी भैया कि चंदन चंचल एगो गाना खाती 1 लाख रुपया से लेके 1,20,000 रुपया तक चार्ज करेले। जी हाँ, 1 लाख रुपया से लेके 1,20,000 रुपया तक चार्ज करेले सिंगर चंदन चंचल। अब बात कर जाओ नेचुरल स्टार प्रमोद प्रेम यादव के बारे में। जी हाँ भैया, प्रमोद प्रेम यादव आज कोनो पहचान के मोहताज नहीं खन। और आप लोग बता दी कि भोजपुरी में जितना भी विधा होला, भोजपुरी में जितना भी गीत संगीत होला, हर विधा के जो कि एक्सपर्ट हवन प्रमोद प्रेम यादव जी और हर विधा के गीत गावेले और इनकर गाना डिजिटल लेवल के अलावा ग्राउंड लेवल पर भी जो कि दबा के बाजेला। जी हाँ, भोजपुरी दर्शकन के दिल पर राज करेले प्रमोद प्रेम यादव और इनकर हर एक गाना जो कि सुपर डुपर हिट होला। तो आप लोग ये बता दी भैया कि प्रमोद प्रेम यादव जो कि एगो गाना खाती 3.5 लाख रुपया से लेके 4 लाख रुपया तक चार्ज करेले। अब बात की जाओ चॉकलेटी सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू के बारे में। जी आप लोग बता दी भैया कि बहुत ही कम उम्र से जो कि अरविंद अकेला कल्लू जो कि गायकी के शुरुआत के लिए और ओ घड़ी से लेकर अभी तक जो कि भोजपुरी दर्शकन के दिल में राज कर रहा बड़े और इनका हर एक गाना के जो कि भोजपुरी दर्शक प्यार दुलार देवे ले और इनका हर गाना जो कि सुपर डुपर हिट होला और हर गाना में कुछ ना कुछ नया करे के कोशिश करे ले, बहुत ज्यादा मेहनत करे ले। तो यही से इनका डिमांड भी काफी ज्यादा बा। जी हाँ भैया, आप लोग बता दे कि अरविंद अकेला कल्लू एगो गाना खाती 4.5 लाख रुपया से लेके 5 लाख रुपया तक चार्ज करेले। जी आप सही सुना था नहीं, 4.5 लाख रुपया से लेके 5 लाख रुपया तक चार्ज करेले अरविंद अकेला कल्लू। अब बात कर जाओ अहिरान स्टार टुनटुन यादव के बारे में। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी कि पिछले 2 साल से इनका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकल बा और कई गो बैक टू बैक की मार्केट में हिट गाना दे चुकल बाड़े। जी हाँ भैया, इनका के अहिरान स्टार के नाम से जाना जाला, काहे कि इनका ज्यादातर गाना अहिरान के ऊपर आवेला, एक जाति विशेष के ऊपर आवेला, यही से इनका के अहिरान स्टार कहल जाला और कई गो मार्केट में बैक टू बैक गाना दे चुकल बाड़े और 2 साल से इनका काफी ज्यादा डिमांड हो गई बा। तो आप लोग बता दी कि एगो गाना खाती टुनटुन यादव जो कि 2 लाख रुपया चार्ज करेले। जी हाँ, 2 लाख रुपया एगो गाना खाती चार्ज करेले सिंगर टुनटुन यादव। अब बात कर लिया राइजिंग सुपरस्टार रितेश पांडे के बारे में। जी आप लोग बता दी कि भोजपुरी के एक लौता ऐसा सिंगर जिंगर गाना पर 900 मिलियन से ज्यादा भी व्यू मिल चुकल बा, जो गाना के नाम बा हेलो कौन। ओकरा बाद भी कई गो बैक टू बैक जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपर डुपर हिट गाना दे चुकल बाड़े और इनका आवाज के दीवाना पूरा यूपी और बिहार बा। और आज के डेट में जो कि रितेश पांडे जी एगो गाना खाती भैया 3.5 लाख रुपया से लेके 4 लाख रुपया तक चार्ज करेले। जी हाँ, 3.5 लाख रुपया से लेके 4 लाख रुपया रितेश पांडे जो कि एगो गाना खाती चार्ज करेले। अब बात कर जाओ सिंगर नीलकमल सिंह के बारे में। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी कि आज के डेट में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बाद कोनो सिंगर के गाना ग्राउंड लेवल पर चाहे डिजिटल लेवल पर बाज रहल बा तो ऊ बड़े नीलकमल सिंह। जी हाँ, बैक टू बैक तकरीबन हर एक गाना इनकर जो कि सुपर डुपर हिट साबित हो रहा बा। जी हाँ, खास तौर पर यंग ग्रुप में इनकर एगो अलग ही क्रेज बा और इनकर हर गाना के भोजपुरी दर्शक दबा के प्यार दुलार दे रहा बड़े और इनकर हर गाना जो
सुपर डुपर हिट हो रहा बा, चाहे वो यूट्यूब हो के इंस्टा रील्स हो गए, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर हो गए, हर जगह जो कि नीलकमल सिंह के क्रेज बा। और यही के चलते भैया आज के डेट में नीलकमल सिंह एगो गाना खाती 6 लाख रुपया चार्ज करे ले। जी हाँ, नीलकमल सिंह एगो गाना खाती 6 लाख रुपया लेवे ले, तब जाके कोनो कंपनी के एगो गाना देवे ले नीलकमल सिंह। अब बात के लिए भोजपुरी के ट्रेंडिंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में, जिंकर भैया आज के डेट में सबसे ज्यादा डिमांड बा, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चहते सुपरस्टार बन चुकल बाड़े, भोजपुरिया दशकन के दिल पर राज करल बाड़े, और बैक टू बैक इनकर गाना जो कि भैया ब्लॉक बास्टर साबित हो रहा बा, और भोजपुरी इतिहास में सबसे ज्यादा 300 मिलियन से पार केहू के गाना बा, तो ऊ बा खेसारी लाल यादव के हर एक गाना इनकर जो की सुपर डुपर हिट होला, और हर कंपनी जो कि आंख मूंद के इनका ऊपर पैसा लगावेला कि भाई हमनी के रिजल्ट मिल जाए, हमनी के जो कि रिकवर हो जाए उससे ज्यादा पैसा कमा सकत हैं जा। तो आप लोग बता दे भैया कि खेसारी लाल यादव एगो गाना खाती 12 से 14 लाख रुपया तक चार्ज करे ले। जी हाँ, रिपोर्ट के मानी तुंकर एगो गाना बा नथुनिया, जी हाँ नोट बरसेला तुहरा नथुनिया पर, वो गाना खाती खेसारी लाल यादव 15 लाख रुपया चार्ज कैले रहन। तो ई जो की रिपोर्ट बा कि खेसारी लाल यादव एगो गाना खाती 12 से 14 लाख रुपया चार्ज करेले। अब बात कर जाओ भोजपुरी के मोहम्मद रफी, सुरो के बादशाह, पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, जो कि भैया बहुत ही कम उम्र से अपन गायकी के शुरुआत कैले। आज इनकर केवल गाना भैया इंडिया में ही ना सुनल जाला बल्कि विदेश में भी सुनल जाला, इंडिया के लोग ही इनका गाना पर ठुमका ना लगावेला बल्कि विदेश के लोग भी ठुमका लगावेला, और अपना दम पे भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री के इतना ज्यादा बड़ा बना देने की भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री बिहार यूपी झारखंड से लेके देश छोड़ विदेश तक अपन नाम कर देले बा। जी हाँ, इनके मधुर आवाज से जो कि लॉलीपॉप गाना गावल गए जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल भोजपुरी सॉन्ग भइले, और आज के डेट में भोजपुरी के सबसे महंगा सिंगर बाड़े पावर स्टार पवन सिंह जी। और आप लोग बता दी कि भोजपुरी के कई गायक जो कि इनके के देख के अपन गायकी के स्टार्ट कैले, और आज भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम कैले बाड़े। बिहार यूपी झारखंड के कोनो भी लड़का यदि गायक बने के सोचेला तो पावर स्टार पवन सिंह के फॉलो करेला। तो आप लोग बता दी भैया कि पावर स्टार पवन सिंह एको गाना खाती 15 से 17 लाख रुपया चार्ज करेले। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहा बन गया, 15 से 17 लाख रुपया चार्ज करेले पावर स्टार पवन सिंह, और लाल घाघरा गाना खाती 18 लाख रुपया ले ले रहन। जी हाँ, सारे गावा हम भोजपुरी से जो निकल गाना आइल बा लाल घाघरा, वो गाना खाती पावर स्टार पवन सिंह 18 लाख रुपया तक चार्ज कैले रहन। तो एगो गाना खाती 15 से 17 लाख रुपया लेवे ले पावर स्टार पवन सिंह।